हे बघ, ब्रेनचे चार लोब्स म्हणजे पार्ट असतात. पहिला फ्रंटल, ज्यामुळे आपल्याला स्मेल कळतो. दुसरा पॅराइटल, ज्यामुळे आपल्याला टेस्ट कळते. तिसरा ओसिपिटल, ज्यामुळे आपल्याला व्हिज्युअल समजतात. आणि चौथा टेम्परल, ज्यामुळे आपल्याला ऐकायला येतं. ओके, छान समजवलं सर. पण हे सगळं तुला कसं काय येते? कारण माझ्या ब्रेनचे चार लोब्स खूप छान काम करतात. अगं, मी श्री राजलक्ष्मी रॉयल सायन्स अकॅडमीचा फाउंडेशन कोर्स अटेंड केला होता ना, त्यामध्ये त्यांनी ब्रेन, किडनी, लिव्हर असे सगळे ऑर्गन्स आमच्या हातात देऊन एक्सप्लेन केलं होतं. आणि आता मी तिथे ऍडमिशन पण घेतलंय. तूही घे, नाहीतर नंतर पश्चाताप करत बसशील. आपल्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आजच निश्चित करा आपला प्रवेश श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटा मध्ये. अब मुझे बताइए कि महात्मा गांधी जब कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, तब 85% पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारी गांवों में बसती थी. आज 30% माइग्रेशन हुआ है, लोग शहरों में आए हैं. जयपुर की आबादी बढ़ रही, मुंबई की बढ़ रही, पुणे की बढ़ रही, नागपुर की बढ़ रही, दिल्ली की बढ़ रही, गांवों की कम हो रही है. ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? वहां की झुकी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? क्या खुशी से आ रहे हैं? गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, स्कूल की हालत ऐसी है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग है नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं. मैं कोई राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की ओवरऑल बात कर रहा हूं. अस्पताल की हालत ऐसी होती है कि ये कभी डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन बाहर निकलने जाए. ऐसे अस्पताल बने हुए. कल मैं एक वेटरनरी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया मैंने, तो मैं उनको देख रहा था. हमारे गांव में मैं खेती का देखता हूँ, खेती है हमारे यहाँ. तो हमारे जब गाय गर्म, भैंस गर्म हो जाती थी तो डॉक्टर गांव में नहीं रहता था. डॉक्टर गांव में आता था तो भैंस गर्म नहीं होती थी. आखिर डेयरी पूरी बंद हो गई, चले गए, क्योंकि इसका टाइमिंग है कभी नहीं मिला. तो गांव में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है. अभी मैंने तय किया है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने अभी तक 56,000 लोगों को रोजगार दिया है, लिस्ट है नामों की. और मैं अगले 3 साल में 1,00,000 लोगों को पूरा करूंगा. तो नेचुरली जिसके 2 होठ तो होते हैं, कोई भी जात का हो, मुझे ठप्पा मारेगा क्योंकि उसको नौकरी मिलेगी तो देने वाला है. देखो पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स में देखिए 2 प्रकार का, नेशनल पॉलिटिक्स, सोशल पॉलिटिक्स. वैसे पॉलिटिक्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट. हर आदमी कुछ चाहता है. वो बोलता है उसके बेटे को नौकरी चाहिए, उसके नल को पानी चाहिए, उसका टैक्स कम करके चाहिए, छोटी छोटी समस्या है. ये जो पूरा करेगा बोलती है नेता अच्छा है. रात को आया, फोन कराया और मेरा काम कर दिया. मेरे पास एक ही है, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति है. इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप. लोगों को अगर टरकाना है, किसी का काम नहीं करना है, तो कमेटी अपॉइंट कर दो. कमेटी अपॉइंट की सालों साल रिपोर्ट ही नहीं आता और मंत्री खुश होता है, फिर से आता नहीं कोई, ये काम करो, कमेटी का रिपोर्ट आने दो, कभी आता नहीं रिपोर्ट. स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप. आपके पास कोई पैसे, मैं अभी लाखों करोड़ में बात करता हूं, मैं बोलता हूं इनको, बोलो कौन से रोड बनाना, कितने रुपए के बताओ, दो मैं कर देता हूँ. कोई एमपी आपका राजस्थान का ऐसा नहीं होगा, कोई एमएलए नहीं होगा, कोई भी पार्टी का, कि मेरे पास आया और बोला और मैंने कहा हाँ एक बात जरूर है कि मेरा मैंडेट है कौन से रोड में एनएच के बना सकता हूँ, उसका ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, तो वो कुछ मेरी मर्यादा है. उसमें बैठने वाला कोई भी काम हो मैं 1 मिनट में कर देता हूँ. मैं नहीं कहता, मैं तो अभी देश का काम है, देश का पैसा है, जनता का पैसा, आपका अधिकार है, कोई कट नहीं. अभी मैं एक टनल बना रहा हूँ कारगिल के नीचे और वो टनल की कीमत थी 11,000 करोड़. मैं इंजीनियर नहीं हूँ और चार्टर अकाउंटेंट भी नहीं, तो हमारे अधिकारी ने 4 बार टेंडर निकाला 11,000 करोड़. मुझे लगा ऐसा क्यों होता है, मैं एक पीछे पड़ा. फिर हमने ओबेरा होटल में पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट को बुलाया, पूरा टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिटी मैंने बैठ के बदले और टेंडर निकाला. आपको ताज्जुब होगा, एक ही प्रोजेक्ट पर हमने 5,000 करोड़ बचाए. मुझे ये मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं अभी तक लाखों करोड़ों के काम तो राजस्थान में कर चुका हूँ. आपके मतदार चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर को पूछना कभी कि कभी मंत्री के पास जाने का मौका आया क्या, मैं जानते नहीं उससे, कभी नहीं आया. पर एक बात बताई मैंने उनको, काम खराब करोगे तो ठोके दूंगा आपको, कंप्लेन है तो याद रखना, दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री. और मैं आपको यही विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है. और आपकी विजन परफेक्ट है, प्लान निश्चित है, तो काम कैसे किया जाता है उसकी अनेक प्रकार के उपाय है.
और लोकतंत्र को समृद्ध संपन्न उसी समय करेंगे जब हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा, सुखी संपन्न और वैभवशाली बनेगा। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। देश धनवान है पर जनता गरीब है। जब राजनीति करते हैं तो ये बिरादरी वो बिरादरी वो बिरादरी होता है, प्रॉब्लम आता है। मैं भी सांसद हूँ, मैंने तय किया कि जात पात नहीं करना। तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम आएगा, लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारा तो मैं भी इस साल 3.5 लाख वोटों से जीता हूँ और वो सीट बहुत मुश्किल थी, मुझे सबने कहा यहाँ से लड़ना ही नहीं, तो मैं जीत करके लड़ा था। तो मुझे लगता है कि लोग अच्छाई को पसंद करते हैं, ईमानदारी को पसंद करते हैं। मैं आपको सही में बताता हूँ, ऑनेस्टी क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ बिजनेस, इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ पॉलिटिक्स, इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ सोशल वर्क। जो आप अच्छे भाव से काम करोगे वो आपका सबसे बड़ा कैपिटल बनेगा, आप कोई भी पार्टी में हो। और लोकतंत्र के प्रति आस्था, श्रद्धा और कमिटमेंट, ये हमारा आत्मा है। और इसलिए जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी राज्य का एक घटक होने के नाते मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट इस मिशन में क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दैट। मैं एक बात का जिक्र आपसे करना चाहता हूँ कि मैं मंत्री बनता हूँ बनाऊँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा समय कम है। ये मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं पहले बार स्कूल के टीचर मुझे बहुत डांटते थे क्योंकि मैं पहली बॉल से ही फोर या सिक्स मारने के लिए बैटिंग करता। मेरे जो भी प्लेयर भी वही है, मैं वेस्ट इंडीज के उस समय प्लेयर थे, ग्रिफिथ था, रिचर्ड्स थे, लॉयड थे। तो मैं एक बार क्रिकेट में सुनील गावस्कर भी मेरे मित्र हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं। तो मुझे लगा कि ये जो ताकत होनी चाहिए तो ही क्रिकेट होता है। तो मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर को कहा सचिन इधर आओ, मेरे बाजू में खड़े रहो। तो मैंने देखा सचिन तेंदुलकर मेरे इतना ही है। तो मैंने लगा तू इतने छक्के मारते हो, स्ट्रोक मारते हो, तुम्हारे हाथ में तो कोई ताकत ही नहीं है। बोले नितिन जी क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये एक स्किल्ड है। मैंने सुनील गावस्कर को भी देखा तो उससे भी वो यानी बहुत ही यानी जोशी जी से भी एक इंच कम होगा छोटा। तो वो ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े बॉलर 6-6 फुट के ऊंचे दौड़ते हुए दूर से आते थे और सुनील गावस्कर छक्का मारता था। तब मैंने उसको भी पूछा सुनील जी ये कैसे क्या है, बोले नितिन ये गेम स्किल्ड का है, तो राजनीति भी ये स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है, किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो MLA थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं, वो चिंता।